दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल में दो बड़ी टीमों के बीच में महामुकाबला खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में एक टीम तो ऐसी है जो कि आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के शीर्ष पर बैठी हुई है, तो वहीं दूसरी टीमें ऐसी हैं जो कि आईपीएल में बिल्कुल निचले स्थान पर विराजमान है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरात राइडर्स और मुंबई इंडियंस की टीम की। कैसे रोहित शर्मा और ईशान किशन के तूफान से उड़ा पूरा गुजरात और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि हार्दिक पांडे और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन कप्तान, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया और मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। और इस आमंत्रण को कबूल करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और उनकी टीम की तरफ से ओपनिंग में तहलका मचाने के लिए आए दो दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन, तो वहीं हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी अपनी टीम के सबसे सफल गेंदबाज मोहम्मद शमी के हाथों में थमा दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पिछले मुकाबले से मुंबई इंडियंस की टीम के ओपनर बल्लेबाज अपनी फॉर्म को लेकर जूझ रहे हैं, लेकिन इस मुकाबले में खासकर रोहित शर्मा इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो आज के मुकाबले में अपना शानदार शतक ठोककर गुजरात की टीम को तहस नहस कर देंगे। दोस्तों, मोहम्मद शमी ने अपने ओवर की पहली ही गेंद वाइड डाल दी और इस प्रकार से मुंबई की टीम को एक अतिरिक्त रन मिल चुका था। इस प्रकार से उनकी टीम का खाता इस अतिरिक्त रन के साथ खुल चुका था और इसके बाद उन्होंने जैसे ही ये गेंद दोबारा डाली तो इस पर ईशान किशन ने एक रन ले लिया और अपना खाता खोल दिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे उनकी टीम के कप्तान रोहित शर्मा और इन्होंने मोहम्मद शमी के ओवर की दूसरी ही गेंद पर सिंगल लेकर अपना खाता खोल लिया और स्ट्राइक वापस से विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को दे दी। और इसके बाद ईशान किशन ने उनके ओवर की तीसरी गेंद पर बहुत ही शानदार शॉट खेला, लेकिन अगेन सीधा फील्डर के हाथ में चले जाने के कारण ये दोनों सिर्फ एक ही रन ले पाए। इस प्रकार से पहले तीन गेंदों पर सिंगल रन आ चुके थे और इसके बाद मोहम्मद शमी ने शानदार वापसी करते हुए अपने ओवर के लगातार दो गेंदें रोहित शर्मा को बहुत ही सटीक डाल दी और उन पर ये कुछ भी नहीं कर पाए और ये दो गेंद डॉट हो गई। और उसके बाद रोहित शर्मा ने इनके ओवर की अंतिम गेंद एक सिंगल ले लिया और स्ट्राइक अगले ओवर के लिए भी अपने पास रख ली और इस प्रकार से मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर एक ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर चार रन हो चुका था। और इसके बाद मैदान पर दूसरा ओवर डालने के लिए आए अलजर्री जोसेफ, लेकिन रोहित शर्मा ने इनके ओवर में इनके परखच्चे उड़ा दिए और जैसे ही अलजर्री जोसेफ ने रोहित शर्मा के सामने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो उस पर रोहित शर्मा ने शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद हद तो तब हो गई जब रोहित शर्मा ने इनकी दूसरी गेंद पर भी ताबड़तोड़ चौका जड़ दिया और सभी को हैरान कर दिया। और अब तो रोहित शर्मा आक्रामक अंदाज में दिखाई दे रहे थे, दबाव पूरी तरह से गेंदबाज अलजर्री जोसेफ पर आ चुका था। इसके बाद गेंदबाज अलजर्री जोसेफ ने भी शानदार वापसी करते हुए रोहित शर्मा को अपने ओवर के लगातार तीन गेंद डॉट खिला दी और इसके बाद रोहित शर्मा को गुस्सा आ गया। इसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद डाली तो उस पर रोहित शर्मा ने हवा में लहराता हुआ छक्का लगा दिया और गेंदबाज अलजर्री जोसेफ के ओवर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इनके ओवर में शानदार 14 रन ठोके और इसके बाद मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर दो ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 18 रन हो चुका था और इनकी टीम के लिए एक बेहद ही ताबड़तोड़ शुरुआत रही। दोस्तों, हम आपको बता दें कि रोहित शर्मा तो इस मुकाबले में रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और इन्होंने तो गुजरात की टीम के गेंदबाजों के नाक में दम करके रखा हुआ है और अब इनके साथ ईशान किशन भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करे और शानदार रन बटोर रहे। दोस्तों, अभी मुंबई इंडियंस की टीम का स्कोर 6 ओवर में बिना कोई विकेट के नुकसान पर 63 रन हो चुका है और अभी रोहित शर्मा 42 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे, तो वहीं ईशान किशन भी 19 रन पर क्रीज पर डटे हुए हैं। दोस्तों, आज आईपीएल के इतिहास में दो बड़ी टीमों के बीच में महामुकाबला खेला जा रहा है और इस महामुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने है। ऐसे में कैसे डेविड वॉर्नर के तूफान से उड़ा पूरा हैदराबाद और क्या रही इस महामुकाबले की अब तक की हाइलाइट्स, वो सारी चीजें तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और डेविड वॉर्नर में कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इस आमंत्रण को कबूल करते हुए दिल्ली कैपिटल्स की टीम के ओपनर दिग्गज बल्लेबाज मनदीप सिंह और डेविड वॉर्नर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो वहीं केन विलियमसन ने नई गेंद अपनी टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के हाथों में थमा दी। इस बीच जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की पहली गेंद डाली तो वो गेंद बाहर की तरफ स्विंग करती हुई मनदीप सिंह इस गेंद पर अपना बचाव करते हुए नजर आए। इसके बाद भी भुवनेश्वर कुमार ने अपने ऐसे ही गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने अपने ओवर की शुरुआत की चार
चार गेंद लगातार डॉट डाल दी। इसके बाद अब मनदीप सिंह दबाव में आ चुके थे। इसके बाद जैसे ही भुवनेश्वर कुमार ने अपने ओवर की पांचवी गेंद डाली तो उस पर मनदीप सिंह चारों खाने चित हो गए और निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट हो गए। मनदीप सिंह इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए मिशन मार्स। और वहीं भुवनेश्वर कुमार के ओवर की अंतिम गेंद पर वो कुछ नहीं कर पाए और ये ओवर मैडन रहा। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से दूसरा ओवर डालने के लिए मैदान पर आए एबोट, तो वहीं स्ट्राइकर एंड पर प्रहार करने के लिए बाएं हाथ के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर मौजूद थे। डेविड वार्नर ने एबोट के ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। इसके बाद उन्होंने एक रन ले लिया और स्ट्राइक मिशन मार्श को दे दी। और इसके बाद मिशन मार्श ने भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया और गेंदबाज को दबाव में डाल दिया। और इसके बाद उन्होंने एक रन ले लिया और स्ट्राइकर पर डेविड वार्नर को दे दी। और इसके बाद डेविड वार्नर एबोट के ओवर की पांचवी गेंद पर सिंगल ले लिया और स्ट्राइक वापस से मिशन मार्श को दे दी। और इसके बाद एबोट ने थोड़ी सी वापसी करते हुए मिशन मार्श को एक गेंद डॉट खिला दी और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के लिहाज से ये ओवर बहुत ही अच्छा रहा। इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर दो ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 11 रन हो चुका था। और अब इसके बाद बल्लेबाजी में शर्म और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन पांचवा ओवर डालने के लिए आए गेंदबाज एबोट ने इनको अपनी ही गेंद पर सिर्फ 10 रन पर कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम के दो बड़े बल्लेबाज आउट हो चुके थे और इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए ऋषभ पंत ने तहलका मचाकर रख दिया था। लेकिन ये भी 9वें ओवर की अंतिम गेंद पर श्रेयस गोपाल के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए थे। उन्होंने इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 26 रनों की विस्फोटक पारी खेली और अब इनकी टीम के 3 विकेट गिर चुके थे। और अभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्कोर 10 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 91 रन हो चुका था। और अभी डेविड वार्नर 47 रन बनाकर खेल रहे, तो वहीं पावेल भी 1 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि क्या डेविड वार्नर इस मुकाबले में अपनी शानदार शतक ठोक पाएंगे या फिर नहीं? दोस्तों आईपीएल का एक बेहद ही घमासान मुकाबला चेन्नई और आरसीबी की टीम के बीच में खेला गया, इसे भी मिनी एल क्लासिको ही कह लीजिए। मुकाबले की शुरुआत ही होती है चेन्नई की टीम के टॉस जीतने के साथ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी धोनी ने, बदले में दोस्तों विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने मिलकर बड़ी तेजी से टीम को 70 तक तो पहुंचा दिया था। लेकिन जैसे ही डुप्लेसिस आउट हुए 38 पर और कोहली 30 पर, उसके बीच में ही दोस्तों मैक्सवेल भी रन आउट हो गए थे। लेकिन अच्छी बात यह रही कि महिपाल लोम्ब्रोर का बल्ला चला और 42 रन आरसीबी को मिल गए। इतना ही नहीं, जाते जाते दिनेश कार्तिक भी 26 रन बना गए थे। और उससे भी बेहतरीन आपको बता दें कि आरसीबी की टीम को रजत पाटीदार की 21 रनों की पारी भी मात्र 15 गेंदों में मिल गई थी। खिलाड़ियों के इतने जोरदार प्रदर्शन के चलते आरसीबी की टीम, जो कि 150 के पार भी मुश्किल से पहुंचती नजर आ रही थी, उसने ना सिर्फ 150 को पार किया बल्कि आगे चलकर 170 को भी पार किया और 173 रन बनाए 8 विकेट गंवाकर। दोस्तों चेन्नई की टीम के सामने पूरे 174 रन का लक्ष्य रखा गया। T20 के लिहाज से देखा जाए तो ये एक डिसेंट लक्ष्य है और इसे चेस करने के लिए ना सिर्फ आपको बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत होती है बल्कि टीम में बड़ी बड़ी पारियां भी चाहिए होती हैं। वैसे इस लक्ष्य की शुरुआत करने के लिए चेन्नई के 2 शेयर मैदान में उतरे, जिनका नाम था ऋतुराज गायकवाड़ और डिवॉन कॉनवे। पिछले मैच में दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर ही 200 रन बना दिए थे, लेकिन किस्मत हर बार साथ नहीं देती। हालांकि शुरुआत अच्छी थी, गायकवाड़ के बल्ले से इस बार भी 28 रन निकले और डिवॉन कॉनवे का तो क्या ही कहना, ना सिर्फ 50 जड़ा बल्कि 37 गेंदों में 6 चौके व 2 छक्कों की मदद से पूरे 56 रन बना दिए थे। लेकिन जैसे ही ये पार्टनरशिप टूटी, लगता है कि मानो सीएसके की टीम पर पहाड़ ही टूट गया था। दरअसल दोस्तों आरसीबी की टीम को मिडिल ऑर्डर में खिलाड़ियों का साथ मिला था, लेकिन वो साथ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के खिलाड़ी तो कतई नहीं दे पाए अपनी टीम के लिए। दोस्तों गायकवाड़ के आउट होने के बाद मैदान में कॉनवे का साथ देने के लिए पहले उथप्पा आए थे, लेकिन मैक्सवेल की एक गेंद पर उथप्पा चकमा खाकर मात्र 1 रन पर कैच आउट भी हो गए। इसके बाद दोस्तों रायडू मैदान में आए। उम्मीद थी कि रायडू की धुआंधार पारी ही चेन्नई को जिताएगी, लेकिन वो भी 10 रन पर मैक्सवेल की गेंद पर ही क्लीन बोर्ड हो चुके थे। चेन्नई को बैक टू बैक 2 छक्के लगे, फिर राहत की सांस मिली जब मोइन अली ने बल्ला थामा खूब चौके और छक्के लगाते हुए। दोस्तों मोइन अली ने 27 गेंदों में 34 रन बनाए ही थे कि फिर कॉनवे आउट हो गए। अब मैदान में जीतने के लिए केवल एक ही उम्मीद बची थी, महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि जडेजा की फॉर्म तो वैसे ही उनका साथ नहीं दे रही। दोस्तों मोइन अली भी हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए थे। इसके बाद जडेजा और धोनी की जोड़ी चेन्नई की बल्लेबाजी के मोर्चे को आगे ले जाने लगी ही थी कि पारी के 16वें ओवर में ही रविंद्र जडेजा 3 पर आउट हो गए और दोस्तों धोनी वो तो 2 रन पर आउट हुए थे। हेजलवुड की गेंद पर धोनी आउट हो गए। खैर दोस्तों जहां पर धोनी आउट हुए वहीं पर चेन्नई की जीतने की उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। फिर से बात है पेटोरियस के छक्के क्या ही करते, जिसके बाद दोस्तों आगे चलकर मात्र 13 रन के अंतर से ही सही, लेकिन जीत गई आरसीबी की टीम और चेन्नई की टीम चाहकर भी इस मुकाबले को अपना नहीं बना पाई।